अस्सलाम वालेकुम। भैरिया टाउन कराची की एक ऐसी जगह पर मैं मौजूद हूँ जहाँ पर आपको हिल्स का बहुत बेहतरीन किस्म का व्यू मिलता है, और दूसरी खास बात इस विला की ये है कि इस प्राइस में आपको 125 स्क्वायर यार्ड्स का विला नहीं मिलेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही आपको प्राइस बता देता हूँ, क्योंकि आप सबकी ये हमेशा शिकायत रहती है कि आप प्राइस नहीं बताते हो। तो सिर्फ और सिर्फ 1,08,00,000 रुपये में ये विला आपको मिल जाएगा भैरिया टाउन कराची के मरी व्यू पॉइंट से भी इंतहाई करीब। और इस प्रीसेंट की खास बात यह है कि इस प्रीसेंट में आने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप मरी इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि भाई अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस करो, ताकि इसी तरह के खूबसूरत तरीन और अच्छी जगहों पर विलाज आपको बर वक्त देखने को मिल सके। तो बगैर किसी इंतजार के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो जिस तरह साजिद भाई ने आपको बताया है कि ये ब्यूटीफुल विला 125 स्क्वायर यार्ड्स का इतनी बेहतरीन लोकेशन पे, जिसके पास आपको ये मरी व्यू पॉइंट मिल जाता है और ये ग्रीन एरिया आपके सराउंडिंग्स में जो आपको मिल जाता है उस पे, उस जगह पे, उस लोकेशन पे ये विला आपको मिल जाएगा। कलर को आपने इसको थोड़ा सा इग्नोर करना है क्योंकि ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसके अलावा कंप्लीशन इसका अभी नहीं हुआ। फाइनल टच जब होगा तो इसका कंप्लीशन वगैरह भी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये विला अंदर से, तो आ जाए मेरे साथ। जब हम जैसे ही दाखिल होते हैं, बल्कि एक मिनट, इसकी एक स्पेशलिटी मैं आपको ये भी बताता हूँ, जब इस विला में दाखिल होने से पहले इसका जो ड्राइंग रूम एरिया है उसको सेपरेट करके यहाँ पे दिया गया है, ताकि अगर आपके कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो आप उनको सेपरेट ही ड्राइंग रूम में रखें। इसको घर से कनेक्ट नहीं किया गया है। वुडन टेक्सचर में आपको यहाँ पे टाइल्स मिलती हैं, खूबसूरत किस्म की यहाँ पे सीलिंग वर्क किया गया है और बेहतरीन एक ड्राइंग रूम का साइज है यहाँ पे। अगेन हम आगे की तरफ आ जाते हैं, जैसे ही हम घर के अंदर दाखिल होते हैं तो 2x2 की हमें यहाँ पे टाइल्स खूबसूरत किस्म की मिलती हैं। सामने मीडिया वॉल को डेकोरेट करके ये दिया गया है और यहाँ पे टाइल वर्क बहुत खूबसूरत यहाँ पे करके दिया गया है। अगेन सीलिंग वर्क भी बहुत खूबसूरत तरीके से यहाँ पे किया गया है। मोबाइल को हम कर लेते हैं साइलेंट और फर्स्ट बेडरूम में हम मौजूद हैं यहाँ पे। इसका आप वॉशरूम भी दिखा सकते हैं। साइड में वार्डरोब भी हमें यहाँ पे इंस्टॉल करके दी गई है, ताकि आप अपने कपड़े वगैरह यहाँ पे रख सकें। यहाँ पे हम आ जाते हैं यहाँ पे कमर्शियल वॉशरूम है, आपके अगर कोई मेहमान वगैरह आते हैं तो उस कमर्शियल वॉशरूम को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा एक छोटा सा स्टोर टाइप का दिया हुआ है, जो आपका सामान होता है वो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। ये जो स्टेयरकेस आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, आपको प्लस के डिजाइन में जो है यहाँ पे डेकोरेट इसको किया गया है। और इसके अलावा जो यहाँ पे किचन की एंट्रेंस पे आपको ये प्लस नजर आते हैं, ये किचन की एंट्रेंस को और ज्यादा खूबसूरत कर देते हैं। इसके अलावा यहाँ पे जमीन पे आपको जो वुडन टेक्सचर में ये टाइल्स नजर आ रही है, ये तो बहुत ही कमाल है भाई। इसके अलावा ये हैंगिंग लाइट्स वगैरह यहाँ पे बहुत खूबसूरत तरीके की लगाई गई है। यहाँ पे हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे क्या क्या ऑप्शंस हैं वो हम आपको दिखाते हैं भाई। मोस्टली यहाँ पे होता यह है कि फर्स्ट फ्लोर पे बना दिए जाते हैं 3 रूम्स, लेकिन 3 रूम्स जब बनाते हैं तो वो कंजेस्टेड हो जाते हैं बहुत ज्यादा, रूम के साइजेस वगैरह भी खत्म हो जाते हैं। तो इस विला की क्वालिटी एक ये है कि इसमें आपको फर्स्ट फ्लोर पे एक अच्छे बड़े साइज का लॉन्च भी मिलता है, डेकोरेट किया गया है, हैंगिंग लाइट्स वगैरह सब कुछ लगाई गई है, वॉल लाइट्स वगैरह के लगा के इसको डेकोरेट किया गया है। और यहाँ से आपको रूफ पे जाने के लिए जो है ये एक्सेस भी मिल जाती है बहुत खूबसूरत तरीके से। इसके बाद हम चलते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। बेडरूम्स के बाद हम आपको लेके जाएंगे बालकनी पे, वहां से भी आपको दिखाएंगे, लेकिन बेडरूम ये वाला लॉक है, इसके अंदर कुछ सामान रखा हुआ, हम आपको दिखा देते हैं ये वाला बेडरूम, आ जाइए। ठीक है, ये हमारा बेडरूम है। बेडरूम का एक अच्छा साइज है, 2x2 की टाइल्स इस्तेमाल की गई है, बेहतरीन किस्म की यहाँ पे फोर सीलिंग की गई। जब ये लाइट्स वगैरह इसके अंदर लगेंगी तो ये अच्छा हो जाएगा। और आप वॉशरूम इसका दिखा दें, एक बेहतरीन साइज का वॉशरूम भी यहाँ पे दिया गया है। सामने बिल्कुल ये जो जगह है, ये आप इसको किचन भी बना सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको स्टडी रूम भी बना सकते हैं, आप इसको स्टोर रूम भी बना सकते हैं। 3 बेडरूम्स की प्लानिंग पे ये घर आपको मिल जाता है प्रेसेंट 10B की VIP लोकेशन पे, हाइटेड लोकेशन। सारे विलास आपको नजर आ रहे होंगे, सारा ग्रीन एरिया यहाँ पे हुआ हुआ है और मस्जिद का एरिया भी करीब है यहाँ पे। इसके अलावा आप अपनी फैमिली के साथ अगर कोई
जो है बाहर जाके एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं तो मरी व्यू पॉइंट यहाँ से बहुत ज्यादा करीब है, तो यहाँ पे भी आप आके एंजॉय कर सकते हैं। तो ये विला जो एक चांस डील जिसको आप कहते हैं ना, 1,08,00,000 रुपए में सिर्फ आपको मिल रहा है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट इसका अप्लाई करना है और इसके अंदर रहना है, ब्रांड न्यू भी आपको विला मिलता है। अच्छा, मुझे अब आइडिया है कि आप लोगों के विला विजिट करने के बाद कुछ सवालात होंगे कि भाई कलरिंग का काम थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, या कुछ छोटा मोटा विला के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि काम थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। तो ये सारा काम जो है वो कंप्लीट करके आप लोगों के हैंडओवर किया जाएगा जो भी इस विला को परचेज करता है। आज की वीडियो से दे मुझे इजाजत। आप लोगों की अगर किसी भी किस्म की क्यूरी हो इस विला को बाय करने से रिलेटेड या फिर कंस्ट्रक्शन करने से रिलेटेड, आप लोगों की अगर कोई भी क्यूरी है तो आप हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पे भी रابطہ कर सकते हैं। जब तक कि अपने होस्ट मोहम्मद साकिब को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।